अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में आप लोग पेज नंबर 18 निकालिए और ये राइट द प्लेस वैल्यू ये वाला आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर 110 6 यूनिट, तो 6 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 6। उसके बाद 410 8 यूनिट, तो 4 जो है वो T के प्लेस पे है और ये U के प्लेस पे है, तो ये लिखेंगे 40। फिर ये है 510 4 यूनिट, तो ये है 4। उसके बाद यहाँ पे बाजू में आइए आप लोग, बाजू में यहाँ पर और दिया गया है ये 710 7 यूनिट, तो ये हो जाएगा 70। फिर 810 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 2 है वैल्यू इसकी। ये 910 1 यूनिट, तो इसकी वैल्यू है 9090। तो इस तरह से इसका प्लेस वैल्यू हमने देखे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमको नंबर लिखना है, राइट द नंबर्स फ्रॉम एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म्स में लिखना है हमको यहाँ, सेवेंटी प्लस 80, तो यहाँ आएगा 78। क्या आएगा यहाँ पर 78। उसके बाद 60 प्लस 1, तो यहाँ आएगा 61। उसके बाद देखिए बाजू में 90 प्लस 7, 97, 80 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 80। तो ये हो, ये हमने देखे इसका प्लेस वैल्यू। अब आप लोग देखो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पर 10 और 1 कितना हो जाएगा, ये 11। उसके बाद 7 10 6 यूनिट, तो यहाँ लिखो 6 लिखो और फिर लिखो यूनिट, UINT यूनिट, इस तरह से। उसके बाद देखो बाजू में 5 10 2 यूनिट, तो ये 5 10 50 हो गया और ये 2 यूनिट हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ पर 4 10s 0 यूनिट, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला करेंगे 9 10 8 यूनिट, तो ये 9 10 क्या हो जाएगा, ये 90 98 8 10 7 यूनिट, तो ये 8 10 की प्लेस वैल्यू क्या है 80, तो 87 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये करना है, ये पेज नंबर 18 का करना है पूरा, ये बुक में ही करना है और मुझे भेजना है।